नगर निगम भिलाई चिरौदा के महापौर निर्मल कोसरे अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। इसके लिए उन्होंने चुने गए जनप्रतिनिधियों के साथ ही आम जनता से विकास और जनहित के कार्यों को नगर निगम के माध्यम से साकार करने के लिए सुझाव आमंत्रित किया है। भिलाई चिरौदा नगर निगम के महापौर निर्मल कोसरे अपने कार्यकाल के पहले बजट को लेकर संजीदा नजर आए। बजट पेश करने से पहले शहर सरकार से आम जनता की भावना और अपेक्षाओं को आमंत्रित कर महापौर ने इस बात का सबूत दिया है। निगम क्षेत्र के विकास को लेकर कोई भी नागरिक कार्यालय के महापौर कक्ष में अपने सुझाव लिखित में दे सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी मिलने वाले सुझाव को बजट में प्राथमिकता दी जाएगी। आने वाले दिनों में नगर निगम भिलाई चिरौदा का वार्षिक आय व्यय बजट प्रस्तुत होना है। महापौर निर्मल कोसरे अपने कार्यकाल का पहला बजट प्रस्तुत करने वाले हैं। महापौर का कहना है कि जनता ने जिस भावना और सोच के साथ उन्हें निगम की बागडोर सौंपी है, उसे साकार करने बजट एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। भिलाई चिरौदा शहर सरकार से आम जनता की जो अपेक्षाएं हैं, समय रहते लिखित में मिलेगी तो उसे बजट में सम्मिलित करने में सहूलियत होगी। पूरे 40 वार्ड की जनता निगम कार्यालय में आकर अपने अपने क्षेत्र की समस्या, विकास की जरूरत और सार्वजनिक जनकल्याण से संबंधित कार्यों को लेकर लिखित में अपना सुझाव दे सकती है। वहीं विभिन्न सामाजिक और विकास के प्रति जागरूक संगठन के पदाधिकारियों ने भी बजट को लेकर अपनी भावनाओं को लिखित रूप में अवगत कराने की बात कही है। इसके लिए महापौर कक्ष में व्यवस्था भी कर दी गई है। अगर कोई निगम कार्यालय आकर सुझाव देने में किसी कारणवश असमर्थ है तो ऐसे लोगों के लिए व्हाट्सएप पर सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए कोरे पन्ने पर अपने नाम और पते के साथ विकास और जनहित के कार्यों का विवरण लिखने के बाद मोबाइल फोन पर फोटो खींचकर इस नंबर पर 8982428463 में व्हाट्सएप पर संदेश भेज सकता है। प्रथम बजट संभवतः 25 मार्च को हम लोग करने जा रहे हैं। बजट के पहले मैं सम्माननीय पार्षद साथियों से सुझाव लेना चाह रहा हूं कि शहर सरकार में उनकी क्या अपेक्षाएं और नगर विकास के लिए उनकी क्या योजनाएं हैं। सारे लोगों से मैंने सुझाव आमंत्रित किया है। इनके अलावा जो वार्ड के प्रबुद्ध जन हैं, भिलाई चिरौदा के वासी हैं, उनके लिए भी मैंने आज पत्रकार साथियों के माध्यम से उनके तक भी सूचना पहुँचाया कि आप शहर विकास के लिए क्या आपकी कार्य योजनाएँ हैं। अच्छी जो योजनाएं होंगे उनको परीक्षण करते हुए, जैसे दो चार सुझाव जो है वो बहुत अच्छा सुझाव आया कि सारे वार्डों में एक दिशा सूचक होना चाहिए, सारे वार्डों का जो मुक्ति धाम है वो सौंदर्यीकरण होना चाहिए। ये भी मेरी सोच थी। सम्मानीय पार्षदों ने भी ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे सुझाव रखे हैं। उन सारे सुझावों को जो नगर निगम के अंदर हो सकती उनको शामिल करते हुए एक बेहतरीन बजट होगा, ये उम्मीद के साथ आपको बताना चाहूँगा कि 25 तारीख का जब बजट होगा तो सारे लोगों के चेहरे खिले होंगे, ये उम्मीद है। देखिए, मैं सम्माननीय पार्षदों से जानना चाह रहा था कि वो सोच क्या रखते हैं। जैसे मेरी सोच है कि सारे वार्डों में दिशा सूचक बोर्ड रहे, सम्मानित सभी पार्षदों का फोटो के साथ आइडेंटिटी बोर्ड लगे, प्रवेश द्वार बने, सभी चौक चौराहों का सौंदर्यीकरण हो। किसी ने ये नहीं कहा कि भिलाई चिरौदा में गढ़कलेवा बनाना है। मेरी सोच है कि भिलाई चिरौदा में तहसील कार्यालय भी खुलने वाली है, भिलाई में लोग आते हैं, इधर उधर जाते हैं, तो छत्तीसगढ़ के जो व्यंजन हैं गढ़कलेवा के रूप में, जैसे आप रायपुर जाते हैं तो गढ़कलेवा रहता है, दुर्ग जाते हैं तो गढ़कलेवा, तो भिलाई चिरौदा जब आएँ तो गढ़कलेवा का भी वो लुप्त उठाएँ, ये मेरी योजना है और इसको बजट में मैं शामिल करूँगा। चूँकि आम जनता से पत्रकार सतत जुड़े रहते हैं, कुछ पब्लिक जो है सीधे महापौर या परिषद के पास नहीं आके अपना सुझाव दे सकते, तो पत्रकार साथी सब वार्डों में घूमते रहते हैं, वार्ड से उन लोग भी परिचित हैं, सर्वांगीण विकास में उन लोग भी चतुर्थ स्तंभ कहलाते हैं, तो पत्रकार साथी भी सर्वांगीण विकास की दिशा में ऐसी क्या योजना है जिसको हम शामिल करें जिससे नगर की पहचान बने और भिलाई चिरौदा छत्तीसगढ़ से अलग नगर निगम कहलाए और छत्तीसगढ़ के नंबर एक नगर निगम में हमारी भिलाई चिरौदा की गिनती हो। यहाँ पे पत्रकारों की बहुत प्रतीक्षित मांग रही है, पत्रकार प्रेस क्लब को लेकर के, प्रेस भवन को लेकर के, तो क्या बजट में उसको? यदि पत्रकार साथियों की ओर से आवेदन आएगा तो निश्चित रूप से उसमें भी परीक्षण कराया जाएगा और अति आवश्यक होगी तो उसको भी जोड़ा जाएगा। बहरहाल बजट को लेकर अपनी भावनाओं को लिखित रूप में अवगत कराने निगम के महापौर कक्ष में बेहतर व्यवस्थाएं बना दी गई है। इससे आम जनता को काफी सहूलियत प्रदान होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।